30 जुलाई की वो शाम जहानाबाद के लिए मनहूस खबर थी, जो हम लोग को खबर मिली डॉक्टर के राजन सर के असामयिक निधन हो गई। डॉक्टर के राजन सर एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे डॉक्टर थे और जहानाबाद के लिए गौरव की बात थी कि ऐसे डॉक्टर हमारे शहर में थे। डॉक्टर के राजन सर का स्वभाव बहुत सरल था, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, समाज के हर काम में भागीदारी, डॉक्टरों के बीच में अच्छे रिश्ते, अपना क्लिनिक अच्छे से चलाना, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी समय से करना उनके मेहनत का एक कड़ी था। सर का तबीयत खराब हुआ था, जो कुछ लोगों के साथ लोगों ने पहले दुष्प्रचार भी किया था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंततः वो सच हुआ। लेकिन वो शाम एक चीज़ हमने देखा कि जब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक खोला तो हर वो फेसबुक पेज पे डाला हुआ था कि डॉक्टर के राजन सर नहीं रहे, गरीबों के मछलिया नहीं रहे, जहानाबाद को स्वास्थ्य सेवा की अपूर्णीय क्षति जिसे भूला नहीं जा सकता है और डॉक्टर के राजन अपने दिल से बहुत मज़बूत इंसान थे, या हर डॉक्टर एक मज़बूत इंसान ही होता है और इंसान भी होता है। बीमारी को हम डॉक्टर एक लूडो की तरह समझते हैं, अगर 97 पे भी सांप काट लेता है तो हम 0 पे नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको कोई सीढ़ी मिलेगा और सुरक्षित हो जाएंगे वो सीढ़ी चढ़कर। लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर के राजन सर के साथ ऐसा नहीं मिल हुआ, कोई सीढ़ी नहीं मिल पाया और सर हमारे बीच नहीं रहे। वेरी सैड न्यूज़, जो लगता है कि अभी भी केरान सर जीवित है और हमारे बीच है। ये उनका यादें शेयर करने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन एक प्रमुख बात बताएंगे कि हम उनके लिए बहुत छोटे डॉक्टर थे, लेकिन जब भी उनसे मिलने के लिए फ़ोन करते थे कि सर मिलना है तो वो यही पूछते थे कि आप आ जाइएगा या हम आ जाएं, जबकि वो बहुत व्यस्त डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त। एक आदमी उतना काम नहीं कर सकता था जितना वो करते थे, दिन दिन भर में 20-20 ऑपरेशन करते थे, 25-25 ऑपरेशन, 100 से ऊपर ओपीडी करते कर लेना, इसके साथ वो उनका बहुत उपलब्धि था। सर गरीबों के मसीहा थे और काम के प्रति उनका बहुत सजगता था, लोगों के प्रति। बस भगवान से यही विनती है कि हम समाज के लोगों को, जहानाबाद के लोगों के, हम डॉक्टर परिवार को, उनके घर के सदस्य को बहुत बल मिले। डॉक्टर के राजन सर से बहुत लोगों को रोटी भी चल रहा था, इलाज भी चल रहा था, उनको भी बहुत बल प्रदान हो। ओम शांति।